वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका सिलेबस मैंने अपने एक्स्ट्रा टाइम में क्लासेस को रिकॉर्ड कर कर करके रिकॉर्डेड क्लासेस में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस डाला हुआ है, चाहे आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, वो पूरा कंप्लीट डाला हुआ है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, पूरा कंप्लीट कोर्स आपके कंटेंट में है। तो अब आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे तरफ से आप 2 दिन में सिलेबस कवर कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सिलेबस कब तक कवर होगा। सारे के सारे क्लासेस आपको ऑलरेडी पूरा कोर्स आपका डाला हुआ है, आप अपने कंटेंट से मैच कर लीजिए। अब उसको आप देखेंगे कि आज भी इस कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है कि उसको इस तरीके से सीक्वेंस में बस उसको अरेंज कर रहे हैं जिससे कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। आपको पता हो कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, क्लिक करा तो इसके अंदर आपको 8-9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 में क्या है टाइटल उसका, चैप्टर 1 को अंदर गए तो उसके चैप्टर 1 को कवर करने के लिए 7 वीडियो पढ़ने पड़ेंगे, उन 7 वीडियो के टाइटल 01, 02, 03, 04, इस तरीके से। तो ये अच्छे से मैनेज करा हुआ है आपने, आप जो कंटेंट में जाकर के चेक करना है। लाइव क्लासेस में मत देखना, अभी तो मैं लाइव ले रहा था, आपको लाइव में ही दिखेगा आपको, बट कई बार स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं और अपने सिलेबस और वीडियो को लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में जाके देखते हैं, तो उसमें तो बच्चे कुछ भी मैनेज नहीं है, वो तो मैं डिलीट कर दूंगा लाइव वाले। आप कंटेंट में जाइए जिसमें कि फोल्डर अच्छे से मैनेज किए हुए हैं, तो आप कंटेंट में जाएंगे अच्छे से आपको चीज़ें मैनेज है। तो अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको एग्जाम तक, आपको मैं 10 ईयर करवा रहा हूँ शिवदास का सॉल्व, क्लियर है बच्चे। तो जैसे कि अभी 10 ईयर में मैं वन बाय वन करके सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा मिक्स करके नहीं करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि आज मेरी लास्ट क्लास है आपके साथ में। इसके बाद फिर मैं कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि अभी लास्ट 5 ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हैं शिवदास में। तो अब आपका काम होगा कि भैया आप रिग्रेशन और कोरिलेशन, जब तक अगर आप उसको नहीं देखोगे कंटेंट में वीडियो को अच्छे से, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो आपका काम है कि पूरे कोर्स को आपको मैनेज करना, क्लियर है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लासेस से मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 10 ईयर में से। क्वेश्चन है बच्चे, द फॉलोइंग टेबल, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द लिमिट्स विद इन विच इनकम ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द फैमिलीज लाई। तो कह रहे हैं बच्चे बीच के 50% जो फैमिली है उनके इनकम के लिमिट क्या है। हाँ, इसके बाद ये ले लेंगे बच्चे जो आप कह रहे हैं। देखो बच्चे, हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि मिडिल के 50% जो फैमिली है उनकी इनकम का रेंज क्या है। तो मिड का 50% क्या होता है, बेसिकली परसेंटाइल से रिलेटेड टॉपिक है ये। कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन आपका जो है परसेंटाइल से रिलेटेड है। तो मिडिल का 50% क्या होता है, मिड 50% का मतलब बच्चे ये हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ आपको, आपके पास है परसेंटाइल में एक होता है सबसे पहले 25%, फिर उसके बाद होता है आपका 50%, फिर आपका होता है 75%, और फिर आपका होता है 100%, क्लियर है बच्चे। तो मिड का 50% क्या होगा आपका, तो बच्चे मिड का 50% आपका, मिडल 50% आपका क्या होगा जी, ये मिड का 50% है आपका, क्लियर है बच्चे। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिड का 50% आपको बताना है। तो मिडिल 50% क्या है, अच्छा ये तो 25% ही है, एक सेकेंड देखो 50%, तो 50% क्या है ये आपका मिड का, तो ये तो 25% है, पूरा लिख देता हूँ मैं आपका, 0% से स्टार्ट होता है, फिर 25%, फिर उसके बाद 50%, देन 75% एंड 100%, ऐसे होता है ना, 4 क्वार्टर होते हैं।
तो मिडिल 50% क्या होता है, ये तो 25% है बच्चे बीच का, और ये भी 25% पॉपुलेशन है, तो आपका मिड का 50% क्या होगा, 25% से 75% होगा। तो इसका रेंज बताना है, तो सबसे पहले आप 25% निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे आप, 25% आपके पास में क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो हमारे पास में परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास पे एन बाय 100 कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, और 25 निकाल रहे हैं तो 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली क्या हो गया, सॉल्व करेंगे तो एन बाय फोर्थ टर्म, तो एन बाय फोर्थ अगर आप निकालते हैं तो एन क्या है आपके पास में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, एफ एन ए सी एफ, कभी परसेंटाइल हो मीडियन हो सी एफ, 40, 120, 200, 284 316 और 320, क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो आपके पास पिंक क्या है, 320 एंड अपॉन 4, तो सॉल्व करेंगे 80th टर्म है, तो आप सी एफ में 80th कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिल रहा है ना, पहले सी एफ में देखो 80th कहाँ आएगा, सी एफ के अंदर 40 में नहीं आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें अब आपके पास में टर्म्स कौन कौन से हैं, सी एफ इससे ऊपर वाला होगा, देन सी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया 40 एंड एफ इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 80, और आपके पास में एल इक्वल्स टू है 8000 एंड आई इक्वल्स टू आपका है 2000, क्लियर है बच्चे। फॉर्मूला लगाएंगे आप 25% का, 25th percentile का, 25th percentile इक्वल्स टू 4 CF / F (I), क्लियर है। एल क्या है मेरे पास में बच्चे, एल मेरे पास में 8000, N by 4 क्या हमारे पास में 320/4, माइनस सी एफ क्या है, ये तो निकालिए ना हमने N/4 80 एंड माइनस सी एफ क्या है आपके पास में, सी एफ 40 है एंड अपॉन एफ क्या है हमारे पास में बच्चे, एफ हमारे पास में 80 है, आई क्या हमारे पास में 8000 प्लस 40/80 इंटू 2000, सॉल्व करेंगे इसको हम, 8000 प्लस 1000, तो कितना है बच्चे 9000, क्लियर है। और आपको और क्या निकालना है, मिडिल 50% के लिए एक 25% और एक 75%, तो आपको 75% निकालना है, 75th percentile, तो साइज ऑफ 70 पहले साइज निकालेंगे आप, साइज ऑफ 75th percentile साइज ऑफ 75th percentile इक्वल्स टू एन बाय
एन बाय 100 एंड इंटू 75, तो क्या हो गया 3n/4। क्लियर है बच्चे? एन 3n/4 अगर आप निकालते हैं तो 3 और n के आपके पास में समीशन है फ्रीक्वेंसी का 320/4 एंड सॉल्व करेंगे 8 8 24 240। और 240 अगर आप निकालते हैं बच्चे तो 240 क्या है, कहाँ पर आएगा 240 बताएं जरा? इसमें आएगा 240। तो अब यहाँ पर आपके लिए L कितना हो जाएगा, 12,000 और 4,000। L कितना है आपके पास में बच्चे, 12,000 और 4,000। आइए L 12,000, I 4,000, F CF 3n/4, ये कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। तो FCF देखते हैं कितना है, 64 एंड सी एफ 220, 64 220, 64 एंड 220, 220 और ये 3n/4 240। क्लियर है? डन। अब सॉल्व करेंगे 75th परसेंटाइल इक्वल्स टू एल प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू आई। एंड आपके पास में एल क्या है बच्चे, 12,000 प्लस 3n/240 माइनस सी एफ 220 अपॉन एफ, एफ आपके पास में है 64 और इनटू आई, आई आपके पास में 4,000। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास है 12,000 प्लस 20 अपॉन 64 इनटू 4,000। आगे सॉल्व करेंगे हम 12,000 प्लस 8 से 20, 64 8 5 40 और सॉल्व करेंगे आप इसको 4 से 2 से 2500, तो 12,000 प्लस 125 12,500, तो क्या है आपका 24,500। क्लियर है बच्चे? तो 24,500। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई है, 2,420, 64 × 4,000। देखते 240 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 240 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 4,000 प्लस 12,000 ये जीरो एक्स्ट्रा लग गया था। तेरह हजार 250। अब लिमिट क्या है, तो बीच का कौन सा 25th परसेंटाइल 75th परसेंटाइल तक का लिया हमने, तो 25th परसेंटाइल क्या हमारा, 25th परसेंटाइल हमारे पास में है
वैल्यूज़ की 9000, 9000, एक की वैल्यू आई 9000 to 13,225। ये रेंज है, बीच के 50% फैमिली इस रेंज के अंदर अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। क्वेश्चन नंबर टू, इट इज डिसाइडेड दैट द 80% ऑफ द फैमिली शुड पे इनकम टैक्स, व्हाट इज द मिनिमम टैक्सेबल इनकम? जितने भी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं इसके अंदर 80% फैमिली अपना इनकम टैक्स पे करेगी, तो कम से कम टैक्स पे करने के लिए, अब 80% लोग टैक्स क्यों पे कर रही है? आप सो जो जितने भी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं मान के चलिए 100% है, उसमें से 80% ही टैक्स पे करेगी। क्यों 80% ही, क्यों बाकी 20% क्यों नहीं पे करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स की एक लिमिट लगी होगी कि भैया इस इनकम तक के लोगों को टैक्स रिबेटेड, टैक्स की छूट होगी, उसके बाद के सारे लोग टैक्स पे करेंगे। तो वही इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस इनकम तक जो है टैक्स पे नहीं करना, किस इनकम के बाद, तो लिमिट जो है मिनिमम लेवल क्या है, तो व्हाट इज द मिनिमम टैक्सेबल इनकम, कि कम से कम कहां से टैक्स लगना शुरू होगा। तो अगर 80% फैमिली टैक्स, फैमिली है 80% फैमिली अगर टैक्स आप मान के चलिए कि टैक्स दे रही है, बोल भी रहा है दे रही है, तो रेस्ट ऑफ 20% फैमिली टैक्स नहीं पे कर रही है, और आपको पता है कि आपके ये इनकम का लेवल है, तो 20% फैमिली कौन से हो जो टैक्स, जो सबसे स्टार्टिंग के 20, जो सबसे लो इनकम के 20% फैमिली होगी वही तो होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से कोई भी पर्सन आकर के टैक्स नहीं दे रहा हो, 20% फैमिली टैक्स नहीं दे रही, आपको मालूम है कौन सी फैमिली हो सकती है पॉसिबल जो कि स्टार्टिंग की रेंज की होगी, जो कि कम इनकम की होगी। तो इसलिए आप 20, आप 80% फैमिली टैक्स है तो मिनिमम पूछ रहा है, तो आप 20% निकालें इसमें। क्लियर है बच्चे? तो क्या कैलकुलेट करेंगे? 20, पहले आप 20% निकालेंगे, साइज ऑफ 20% साइज ऑफ 20% हमारे पास में क्या है, एन बाय 100, 1% की वैल्यू आती है, इंटू 220, तो एन बाय 5, एन क्या है 320 अपॉन में 5, सॉल्व करेंगे 5×30, 4×5×20, 64, तो हम यहाँ पर 64 हमारा आ गया एन बाय 5, तो हमें यहाँ पर 64 किस में आता है, 64 हमारा सेकंड में ही आता है, सेकंड में आता है, तो 8,000, 10,000, 8,000, 2, और हमारे पास में एफ कैच 80 है, पहले 8,000 और 2,000, तो यहाँ पर मेरे पास में फॉर्मूला होगा एल प्लस एन बाय 5 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, तो एल क्या है हमारे पास में 8,000, आई है हमारे पास पे 2,000, एफ हमारे पास में 80 और सी एफ हमारे पास में 40। चेक कर लेते हैं, एफ है 80 और सी एफ है हमारे पास में 40। क्लियर है? 8,000, 2,000। चलिए अब ये निकालेंगे आप, तो एल हमारे पास में 8,000 प्लस एन बाय 5, एन बाय 5 हमारे पास में है, एन हमारे पास में 320, तो एन बाय 5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 64, एन माइनस सी एफ, सी एफ हमारे पास में 40 अपॉन एफ 80 और इंटू आई, आई हमारे पास में 2,000। क्लियर है बच्चे? तो 8,000 प्लस 24, जीरो से जीरो कट गया आपके पास में, क्लियर है? सॉल्व करेंगे 8×2=16, 8×5=40, 25 इंटू 25 हो गए, तो 8,000 प्लस 25×100, 10×25=50, 10×60=600 हो गया। क्लियर है? आगे आप सॉल्व करेंगे इसको,
6600, तो 6600 रुपये इनकम तक के लोगों को मिनिमम जो है टैक्स के लिए 6600 रुपये, 8600 रुपये इनकम लोगों की होनी चाहिए मिनिमम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम इनकम ऑफ द रिचेस्ट 30% ऑफ द फैमिलीज, रिचेस्ट 30% फैमिली के मिनिमम इनकम क्या है, इसको पहले समझेंगे। वेट, अभी वेट करो बच्चे। जो रिचेस्ट 30% लोग हैं, तो 100% में जो टॉप के जो 30% लोग हैं जो अर्निंग करते हैं, उनमें उसकी मिनिमम क्या है, तो आप 70th percentile निकाल लेंगे, तो वो लास्ट के जो 70 है वो लास्ट के 30 का लीस्ट वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। एग्री करते हैं? अब आपको लास्ट के जो 30% लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, उनमें से सबसे कम इनकम का रेंज क्या है ये पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग से देखो, जो 70 है वो आखिरी के जो आखिरी के 30 का 70, लास्ट 30 का स्टार्टिंग है, तो मतलब कि आपको 70th percentile आपको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कर लोगे? आप, मैं बता देता हूं आपको, 70th percentile तो कैसे निकालेंगे आप, वही n बाय 100 और इंटू 70, तो 7n/10, अब 7n 320 है अपॉन 10, सॉल्व करेंगे 7 × 14 = 21 और 1 = 22, 224। क्लियर है बच्चे? 224 देख लो आप, मार्क कर लो, 224 किस में आता है, 20 इसमें आएगा। क्लियर है बच्चे? तो आपके 12, 16, तो एल का आपके पास में आया 12,000, आई आया आपका 4,000। क्लियर है? और एक आपका सी एफ हो गया, एक आपका एफ हो गया, और आपके पास में 7n/10 तो आपके पास में हो ही गया 224। क्लियर है बच्चे? तो सी एफ और एफ कितना है, तो इसमें सी एफ आपका 220 है और एफ 64 है। तो निकाल लोगे बच्चे अब आप, क्या एल प्लस 7n/10 फॉर्मूला लगा दोगे ना आप इसका, एल प्लस 7n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। एल के आपके पास में 12,000 है माइनस, ओ सॉरी, प्लस 7n/10 224 है माइनस सी एफ 220 है अपॉन एफ 64 है एंड इंटू आई, आई आपका 4,000 है। सॉल्व करेंगे आप इसको, 12,000 प्लस 4/64 तो 1/16 इंटू 4,000, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 500 एंड 250, 12,000 प्लस 250 तो 12,250 ये है मिनिमम इनकम। जो रिचेस्ट 30% लोग हैं उनमें से जो मिनिमम है, उन 30% का जो मिनिमम है वो आपका 12,250 है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ट्विस्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अटेंडेंस से। बच्चे वीडियो देखिए, मीन के अंदर भी 15-15, 14-14 वीडियो डाली हुई है आपकी, मीडियम में डाली हुई है। आप प्लीज़ कंटेंट में जाकर देखिए तो सही, कम से कम कितना कंटेंट भरा हुआ है। और अभी आपके पास में पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ रहा बच्चे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।